वेलकम बैक सैफ और करीना कपूर ने डिसाइड किया था कि एजेंट विनोद के रिलीज के बाद वो अपनी शादी की डेट फिक्स करेंगे. एक्चुअली शादी का पूरा खर्चा एजेंट विनोद की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर डिपेंड करता था, रादर कर रहा था. अब जो एजेंट विनोद का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है उसके हिसाब से शायद वो लोग रजिस्टर शादी करेंगे. आस्था चैनल से आप सभी लोग परिचित होंगे. हाँ, जिनके घर में 50 के आसपास के फैमिली मेंबर हैं उनके घर पर आस्था चैनल दिन में 5 घंटे चलता है. ये मुझे समझ में नहीं आया, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोगों के दिमाग में 2 बातें आती है, बीमारी और स्पिरिचुअल. एक्चुअली उसका डायरेक्ट कनेक्शन भी है. एक बीमारी होती है जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, चेस्ट पेन, तो पहला मेडिकल बिल आता है, लोगों की फट जाती है. अरे यार डॉक्टर बहुत महंगा है, भगवान के पास चलते हैं. पुरानी हिंदी फिल्मों में डायलॉग होता था ना, अब इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है. वैसे तो भगवान के पास चलते मतलब ऊपर नहीं चलते हैं, आस्था चैनल शुरू करते हैं. तो आस्था चैनल बना ही इसलिए जहां पर हर बाबा हिट है फिट है और हर बाबा जीने की राह दिखाता है और उनके सारे फॉलोअर्स को वो राह दिख भी जाती है. बोलो बस आज मुझे नहीं दिखी. अब मुझे ये समझ भी नहीं आया कि आप पहली बार किसी नए स्पिरिचुअल बाबा को ट्राई करते हैं ना, तो उनकी बातों से आपको जीने की राह दिखाई देती है, फिर उस राह पर चलने लगो ना. लेकिन नहीं, लोग लिटरली बाबा जी की राह पर चलने लगते हैं. चलो बाबा जी इंदौर में प्रवचन कर रहे हैं, चलो ए चलो इंदौर, चलो चलो किधर बाबा, नैनीताल, ए चलो नैनीताल चलो. सो यू नो बाबा ना हुए रॉकस्टार हो गए, लाइक बाबा इज ऑन द रोड सो कम ऑन लेट्स फॉलो हिम. एक शिवानंद बाबा है जो शिव योग सिखाते हैं. पहले योग के बेसिक कोर्स सिखाते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड लेवल, फिर प्रति प्रसव विच इज थर्ड लेवल, और हर लेवल पर फीस बढ़ती जाती है. शिवानंद बाबा की कंपनी के सीईओ, पहले एप्पल के सीईओ रहे होंगे, एक साथ कुछ नहीं देते, धीरे धीरे रेगुलर इंटरवल्स पर नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं. मेरा सवाल यह है कि ये बाबा मतलब इन बाबाओं की शरण में जाने वाले सारे लोग अबाउट 50 होते हैं. जिंदगी के 50 साल तो निकल चुके हैं, 10-20 साल और निकाल लें, और उन 10-20 साल में आप ऐसा क्या करने वाले हो कि आपको जिंदगी जीने के लिए किसी बाबा के पास जाना है? 50 के बाद आपका एक्सट्रीम सेक्स में इंडल्ज करना तो मुश्किल है. मुश्किल से आप खड़े हो पाते हो यार, वो क्या खड़ा हो. सो मॉरली आप फिसल जाएंगे, इस बात से डरने की तो मतलब जो गुंजाइश है वो तो कंप्लीटली राइट ऑफ होगी. दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपको धर्म के बारे में जानना है. तो भाई 50 साल बिना धर्म को जाने आसानी से निकाल दिया, तो अब क्यों दिमाग की मार ठोक रहे हो यार, चुप रहो ना घर में. बट आई एम श्योर देर इज डेफिनेटली सम स्पिरिचुअल फेनोमेना विच गेट्स एक्टिव आफ्टर 50. सुना है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक नए बाबा ने डेब्यू किया, सुना आपने? नहीं. ओहो, अरे इनका नाम है बीट बॉक्सिंग बाबा, BBB. छोटे शहर के बेवकूफ दर्शकों को बता दे, बीट बॉक्सिंग एक आर्ट फॉर्म है जहां आर्टिस्ट मुंह से ड्रम्स और रिदम के साउंड निकालता है. ये देखिए, देखिए अपने बीट बॉक्सिंग बाबा लोगों के प्रॉब्लम के समाधान कैसे करते हैं. आइए. अब हम सब एक साथ प्रार्थना करेंगे. अब आप एक एक करके बीट बॉक्सिंग बाबा से अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पूछ सकते हैं. बाबा, मेरा नाम धनंजय कुमार है,
और मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। हम तीन भाई हैं, हम तीनों में सबसे कम पगार मेरी है, इसकी वजह से घर वाले मेरी इज्जत नहीं करते। हाँ, मगर मैंने दोनों को समझाने की कोशिश की लेकिन वो दो लोग नहीं समझते। नहीं, मेरी वाइफ मेरे साथ है, वो मेरी इज्जत करती है, लेकिन बड़ी भाभी वो हर वक्त मुझे जलील करती है। लेकिन बाबा, ये कोई काले कुत्ते की बजाय कोई और कलर के कुत्ते के साथ 101 बार जाप करूँगा तो चलेगा? मैं आपके चरण छू सकता हूँ? अगर इसके बाद भी दिल नहीं भरा तो सबसे बड़ा चूतिया पा इंतजार कर रहा है ब्रेक के उस तरफ, प्राइवेट पार्ट्स का फेयरनेस क्रीम वो भी पब्लिक में। बजाओ।